अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द dxb चैनल। दोस्तों आज जो डिजिटल अकाउंट लेके आया हूँ वो ADCB हाइक अकाउंट है। ADCB हाइक का अकाउंट है, इसमें दो अकाउंट है। वन जो अकाउंट है वो करंट अकाउंट है एंड सेकंड जो है सेविंग अकाउंट है। इसको ओपन करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले अपने मोबाइल पर ADCB हाइक की एप्लीकेशन उसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद थ्री सिंपल स्टेप हैं जिससे आपने इसको रजिस्टर करना है। Being your journey with ADCB in three simple steps. First you have scan your documents, fill in your details and confirm your delivery address. आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन करने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे आपके, उसमें आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो स्कैन करना है। उसके बाद Emirates ID है वो स्कैन करनी है, फ्रंट एंड बैक साइड। और पासपोर्ट में आपने ये कहा आपने वीज़ा भी स्कैन करना है, पासपोर्ट भी स्कैन किया, उसके बाद जो वीज़े की फ़ोटो है वो भी स्कैन करनी है। उसके बाद अ पिक्चर ऑफ योर सिग्नेचर, आपने एक पेपर पे सिग्नेचर करना है, वो सिग्नेचर करके उसमें आप उसको आपने स्कैन करना है, उसके आपने फ़ोटो ले लेनी है। वो फोटो वही सिग्नेचर जो होंगे वो आपके चेकबुक पर भी आएंगे, आपके अकाउंट में भी वही लगेंगे सिग्नेचर। तो वो सिग्नेचर करना जो आप भूल ना जाए बाद में, सिग्नेचर करके उसकी फ़ोटो जो है वो अपने पास रख लेना। तो ये चीज़ें जो स्कैन कर ली, उसके बाद आपने फिल इन योर डिटेल्स, अपनी कंपनी का नाम डालना है, यहाँ पे आप काम करती है वो डालना है, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, उसके बाद अपनी ईमेल जो है वो फिलअप करनी है, उसके बाद अपना जो डिलीवरी एड्रेस है जो आपने, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो अपने ऑफिस में अगर अपना पार्सल मंगवाना है, जो भी जो इनकी स्टेटमेंट आती रहेंगी या जो भी चीज़ मंगवानी है आपने, वो अपने ऑफिस में मंगवानी है या अपने घर में मंगवानी है जहाँ पे आप रहते हैं, आपने वो जो कंफर्म एड्रेस है वो डालना है आपने अपना जहाँ पे आप रहते हैं। तो ये आपको चेकबुक भी देंगे, फिर वो कार्ड जो है वो भी आपको वहाँ पे डिलीवर करेंगे, बैंक वाला आदमी जो आएगा वो आपको डिलीवर करेगा। गेट इन योर वेलकम, हम जो डिलीवरी पैक है क्या किट है वो आपको मिलेगी 48 आवर में जो है वो आपको मिलेगी। इसको जो रेडी करके वो आपका चेकबुक और जो कार्ड है वो रेडी करके 48 आवर में आपके पास आ जाएगा। और इसके बाद इनका कस्टमर केयर नंबर जो है वो है 600-502030। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या आपकी डिटेल क्या रॉन्ग हो जाती है उसको सेट करने के लिए आपने इस नंबर पे कॉल करनी है। अगर किसी का अकाउंट एक्टिव नहीं है तो वो भी इस नंबर पे कॉल करके अपना जो अकाउंट है वो एक्टिव करवा सकते हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है इस नंबर पे आप कॉल करके उसको ठीक कर सकते हैं। और दूसरा, जब आपने अपना ऐप खोल के जब वो आपके से यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड लिखने का बोलेगा, क्रिएट करना है आपने, तो वो आप उसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। आप भूल जाते हो बाद में, आप कहते हो कि हम कैसे इसको जो करें, जैसे Emirates NBD का जो बनाया था वो कार्ड जो बनाया था उसका जो, अगर ईमेल ही आपको भूल गया है तो फिर पासवर्ड कैसे आएगा उसका, पासवर्ड जो है वो कैसे आएगा ईमेल भूल गया। पासवर्ड निकालने के लिए तो फिर वो उधर फॉरगेट में जाते हैं, वो ईमेल मांगते हैं, अगर ईमेल भी याद नहीं है तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर उनको कॉल करनी पड़ती है, कॉल करने के बाद 100 इन्फॉर्मेशन, फिर वो बोलते हैं ऐसा करो ऐसा करो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब आप उसको क्रिएट कर रहे हैं तो उसको उसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपने पास लिख के उसको सेव कर लें, तो ये सबसे बेस्ट है आप इसको। हाँ, दूसरा सैलरी, इसमें जो अकाउंट है ADCIB का हाइक अकाउंट है जो, इसमें आपकी सैलरी होनी चाहिए 5000 आपने सैलरी लिखनी है। इसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा उसने, जो आपका सैलरी सर्टिफिकेट है वो इसमें नहीं मांगा उसने फिलहाल, लेकिन आपकी जो सैलरी है वो 5000 होनी चाहिए। वो फिलअप करने के लिए उधर बोलेगा तो आपने 5000 ही लिखनी है। उसका पहला जो आपका कैशबैक आएगा, आपने जब इसमें 5000 पहली दफ़ा ट्रांसफ़र करेंगे, फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे, तो आपको 250 दरम जो है वो क्या वेलकम बोनस मिलेगा, 250 दरम जब आप इसमें पहली दफ़ा अपना 5000 फ़ंड जो है उसमें क्या डिपॉजिट करेंगे तो आपको 250 दरम जो है वो बोनस मिलेगा। उसके बाद इनकी जो है वो क्या कहते हैं, कुरानंदाजी होती रहती है, पॉइंट आपको मिलते रहते हैं, टच पॉइंट जो है इनके वो मिलते रहते हैं आपको, जैसे आप जितना आप डिपॉजिट करेंगे उतने आपको वो पॉइंट देते रहेंगे। उसके बाद इनकी डिटेल भी है वो आपको इनकी ऐप से मिल जाएगी कि आप कहाँ से चेक कर सकते हैं अपने वो पॉइंट जो है, कैशबैक है सब उधर से मिल जाएगा आपको। टर्म एंड कंडीशन भी है वो आप पढ़ लेना, या इनको कॉल करके जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूछ लेना, 600-502030 इस नंबर पे आप कॉल करके इनसे रابطہ भी कर सकते हैं।